अच्छा यमुना सेठी वाली वही कहानी है जो आप सुना चुके हैं, कोई और कहानी? ये कोई और कहानी है। अब यमुना सेठी की कहानी ये है कि मेरा जब मैं सेट पे पहुंचा, मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं यमुना के साथ काम करूं, और मैं बड़ा कंफ्यूज भी था। एक तो डरा हुआ कि मेरा पहला ड्रामा एक्सपीरियंस ही नहीं है यमुना के साथ। और फिर जब मैं सेट पे पहुंचा, मैंने देखा वहाँ पे कुबरा भी है, रमशा भी है, सायरा भी है, सजल भी है। मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे यमुना नजर नहीं आई मुझे कहीं पे भी। आई वॉज एक्साइटेड लेकिन नर्वस भी था कि यार मैं कैसे करूँगा इसके साथ, ये तो किए जा रही है इतना अच्छा अच्छा काम और मैं तो पहला ड्रामा। मैं ढूंढ रहा हूँ यमुना नजर नहीं आ रही। मैंने पूछा किसी से तो कहते हैं यार वो US से आ रही है, तो अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। मैं बैठा हुआ जहाँ से एक लड़की आती है सामने और कहती है अस्सलाम वालेकुम, मैं ऊपर देखता हूँ यमुना है। मैं कहा वालेकुम सलाम, और उसने कह के कहती ठीक है आप अब बैठे मैं आती हूँ, वो चली गई। अब वो सीन पकड़ा दिया, मैं सीन पढ़ने लग गया। मैंने कहा कि अच्छा सीन, मैंने कहा यमुना से आके थोड़ी बात कर लेता हूँ, थोड़ी केमिस्ट्री बना लेते हैं, क्योंकि सीन करने तो अभी नहीं बनाऊँगा। तो मेरा अब यमुना की बात करूँ, यमुना ऐसे बैठी हुई है, मैं उससे बातें की जा रहा हूँ। मेरा नाम जुनेद है और मेरा पहला ड्रामा है, मैं इतना नर्वस हूँ, ये हूँ, मैं लगा हूँ और आगे से कह दिया। तो जब ऊपर देखती है वो कहती है बाल हटाती है, यहाँ पर उसने एयरफोन्स पहने हुए, कहती है मैं बात कर लूँ। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा सारा इंप्रेशन खत्म हो गया, टूट गया। मैंने कहा यार इतनी बेइज्जती तो। वो एक फोन का ऐड नहीं आया था, वो कान के पीछे लगा हुआ होता है, वही वाली चीज, वही वाली चीज कि यमुना ने आपकी कक बात नहीं सुनी, बात नहीं सुनी। एक मूवी भी इस तरह की है ना, वो उसको बोलने जाता है आई लव यू बोलने जाते हैं, तो लिखता है सारी रात, वो लेटर लिखता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है। ये बड़ी मूवी के शौक है। वो जाता है लड़की के पास ना, वैसे लाइब्रेरी में बैठी थी, कहता है कि वो ये आई लव यू, तो उससे भी ना एयरपोर्ट लगा था। एक्सक्यूज मी, उसको उसकी दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैंने उसको दोबारा कुछ किया।